आ गया हमारे पास कांजी वड़ा। कांजी वड़ा भी हम पी रहे हैं। इसके अंदर दो वड़े होते हैं और कांजी से बनाया है, बिल्कुल शानदार। 40 रुपये का मात्र, 40 रुपये की कचौड़ी, 50 रुपये का भल्ले पापड़ी और 40 रुपये का कांजी वड़ा, यानी 130 रुपये में आपका सही मज़े। तो अंकित आप ज़रा पकड़ो ये, हम ज़रा ट्राई करें कांजी वड़ा, ट्राई करेंगे हम। भाई एकदम अलग टेस्ट, ऐसा ड्रिंक नहीं पिया मैंने। खट्टा है पर बढ़िया भाई। जलजीरा तो बिल्कुल अलग, मज़ेदार, मसालेदार, रिफ्रेशिंग। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बिशन स्वरूप चाट भंडार में। यहाँ पे आपको आलू चाट, मिक्स फ्रूट चाट, इसके बाद फ्रूटी फ्रूट, शकरकंदी भी मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो, अगर आपको ये फेमस आलू चाट खाना है तो आप यहाँ पे खा सकते हो। हम कुछ अलग ट्राई करने के लिए हमने मिक्स फ्रूट चाट ऑर्डर किया है। ये रहा फ्रूट चाट। ये जस्ट आप ये रोड पे शीशगंज साहिब से बिल्कुल सीधा सीधा रोड पे आते जाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये चाट भंडार। वाह भैया, देखते कैसा होता है मिक्स फ्रूट चाट। अरे अंकित हाथ फैलाए खड़े हुए, प्रसाद, अंकित को प्रसाद मिल गया हमारे फ्रूट चाट। वाह भाई वाह, एकदम मसालेदार। सबसे बढ़िया चीज़ है भाई ये रिसाइकल्ड पत्तल में मिल रहा है, कोई वेस्टेज नहीं, कोई बढ़िया नहीं, एकदम फ्रूट की फीलिंग बढ़िया। क्यों अंकित, आओ दोस्तों चाट खा लो। क्या आओ दोस्तों चाट खा लो चाट खा लो चलो भाई चाट खा लो, चाट खा लो भाई, खा के दिखाओ चाट। बनाना चाट में पहला बनाना है, बनाना है। वाह भाई वाह, कैसा है मसालेदार, बढ़िया मसालेदार, मस्त। अच्छा एक नंबर। तो दोस्तों जैसे कि आजकल शादियों का सीज़न है और हम फ्रूट चाट बहुत खा रहे हैं, पर दोस्तों इसकी बात ही अलग है। नींबू मसालों का इतना तगड़ा मिक्सचर है इसमें कि चटकारे तो यूँ आ जाएंगे, मज़ेदार। तो दोस्तों अब अंकित ने मुझे दे दिया अल्टीमेटम अंकित बोल रहा है कि भाई दो दो मिनट में आप मेरे को चाट खिला रहे हो, पराठे वाली गली हम कब जाएंगे। तो मैंने बोला भाई अब अगला डेस्टिनेशन हमारा होने वाला है पराठे वाली गली। ये आलू चाट भंडार के पास यहाँ बताया गया, यहाँ पे भागीरथी मॉल के पास पराठे वाली गली रोड पार करनी पड़ी। अंकित हमने हल्का हल्का भी खा के ना, हाँ ऐसा सा लग रहा है पेट भर सा गया है। अच्छा अब और भी खाना हमें आपके लिए, टेस्ट बताना है। अंकित बोल रहे जब तक अंकित उल्टी ना कर दे खाना खाता रहेगा, और यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी भी नहीं है। पराठे ही पराठे, बहुत शानदार पराठे वाली गली है ना भाई। क्या नाम है तुम्हारा? बहादुर। बहादुर, वाह भाई वाह। खाते तुम पराठे? खाते हो पराठे? बढ़िया लगते पराठे? अच्छा बहादुर इधर आ, सबसे बढ़िया कहाँ मिलता पराठे आपको? इधर ही मिलता है, बढ़िया मिलता है एकदम। अच्छा इधर ही फिर खाए, खाएगा तू पराठा? अच्छा तो हमारे साथ तीसरा पार्टनर हमारा बहादुर। आओ बहादुर पराठे खाते हैं। पराठे की, पराठे की रेट लिस्ट आप देख सकते हैं, रेट ही आ गया, रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। कौन सा पराठा खाएंगे डिसाइड करते हैं हम। दो पराठा लेंगे कुछ, फिर पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, हम जस्ट फ्राई करेंगे। तो हम पूछते हैं यहाँ पे कौन से दो पराठे लेने चाहिए हम। हेलो मैम, मैम आप कोई दो अलग अलग टाइप के हमें पराठे कर दीजिए, सबसे बेस्ट हो। पनीर में कुछ पनीर में पेरी पेरी ले लो, पेरी पेरी स्पाइसी होगा वो, और एक और थोड़ा कम स्पाइसी।
पनीर मखनी ले लो। पनीर मखनी ठीक है, आप ये दो पराठे कर दीजिए। दोस्तों अंकित और मैं फिर से पराठे वाली गली पे, एकदम पराठे वाली गली में एंट्री करते ही हम ये जो है पंडित बाबू राम देवी दयाल पराठे वाले सिंस 1889। वाह भाई, सबसे फेमस, वेलकम टू पराठे, पराठा वर्ल्ड। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आके आप खा सकते हैं बहुत अलग अलग वैरायटी की पराठे हैं, बहुत ज़्यादा अलग पराठा, मतलब इतने अलग अलग पराठे तो मैंने कभी देखे भी नहीं है। अंकित नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। तो हमने दो स्पेशल, एक पेरी पेरी पनीर पराठा और दूसरा है, दूसरा था चाप पनीर पराठा, पनीर कोरमा देखते खाते देखते। तो दोस्तों हमने ऑर्डर किया था पनीर मखनी पराठा, तो आ गया हमारे पास पनीर मखनी पराठा पराठे वाली गली में। ये क्यों दिया तेरे को? वो आएगा ना पेरी पेरी। अच्छा पेरी पेरी आएगा, ये पेरी पेरी आएगा। अंकित खुश है पेरी पेरी खाने के लिए, पेरी पेरी बहुत स्पाइसी होता है, मखनी थोड़ा कम स्पाइसी होता है। पहले मखनी की बढ़िया से फोटो ले लो अंकित, देखो अंकित फोटो लेते हुए। हाँ हाँ, अंदर दिखा, ये देखो पनीर, पनीर भरा हुआ अंदर। हाँ हाँ हाँ, वाह कच्चा हुआ पनीर। रसीला रसीला टेस्ट तो शानदार है, बढ़िया टेस्ट। मंकी खा के दिखाएंगे पनीर, पनीर मखनी पराठा उठाए खा लेना, इतना रसीला है, इतना रसेदार है कि अंकित से उठाया नहीं जा रहा। पनीर तो टपक रहा है, पनीर टपक रहा है। अंकित लो पेरी पेरी, ये पेरी पेरी आ गया, ये आ गया पेरी पेरी पराठा। कह रहे हो स्पाइसी होगा, बहुत पेरी पेरी पराठा, बहुत बड़े पराठे नहीं है, स्वाद हो रहा है। हाँ 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 हाँ, धुआं निकलता हुआ गजब। पराठे वाली गली, पराठे सब्जियाँ भी मिली है डिप करने के लिए, सिखाने के लिए। आलू, आलू की सब्जी, मीठी एक चटनी भी साथ में, ट्राई करो। मैं रेट बता दूँ, 100 से लेके 150 तक का रेट एक पराठे। तो दोस्तों हमने खाए पराठे पराठे वाली गली में, सबसे फेमस। ऐसा पेट दिखाओ अंकित, बाहर को निकल गया अंकित का। तो हमने खाए पनीर मखनी, पनीर मखनी पराठा, पेरी पेरी, हाँ पेरी पेरी पराठा। और भैया आ गए, क्या नाम है अभी आपका? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी आपको हाय बोलते हुए दिल्ली से, बहुत बढ़िया। हाँ तो हमने खाए पेरी पेरी पराठा, पेरी पेरी पराठा और पनीर मखनी पराठा, पनीर पेरी पेरी और पनीर मखनी। खैर जी हमें उम्मीद थी बहुत बड़ा पराठा होगा, पर पराठा बहुत छोटा था, और टेस्ट नो डाउट बहुत बढ़िया है, बढ़िया था टेस्ट, अच्छा था, पर साइज़ छोटा है, उस हिसाब से रेट थोड़ा ज़्यादा है। पनीर मखनी पराठा है 150 रुपये का, और पनीर पनीर पेरी पेरी है 100 रुपये का, तो कुल मिला के 250 रुपये में हमने दो पराठे खाए, छोटे छोटे खाए, पर ठीक है, टेस्ट अच्छा था, खा सकते हो आप एक बार ट्राई करने के लिए, बढ़िया है कि पराठे वाली गली आए हो चांदनी चौक के, ट्राई कर लो। तो बताओ, हाँ और एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, हमने वो कैमरा मार्केट आपको लेके गए थे, वहाँ से मैंने एक ट्राईपॉड लिया था, तो जहाँ पे हम वो फ्रूट चाट खा रहे थे वहाँ पे मैं ये रख के भूल गया, फिर मैं चला गया पराठे वाली गली, पराठे खाते खाते याद है, अरे यार हमारे साथ एक और सामान था, कहाँ गया हमारा बच्चा, घूम गया हमारा ट्राईपॉड, गुम हो गया यार, पैसे खर्च करके लिए कैमरा मार्केट से। तो फिर हमने बोला चलो पराठे खा लेते, अब क्या करें, पराठे जब आई गए तो पराठे खा लिए, फिर वापस गए, देखा भाई वो चाट वाले के टेबल पर तो है नहीं है,
फिर उन्होंने चाट वाले से पूछा, भैया हमारे कुछ रखा था ब्लैक कलर के पैकेट में, तो कहा हाँ हाँ मैंने उठा के संभाल के रख लिया, आप आओगे तो मैं आपको दे दूंगा, यहाँ से कोई चीज़ गुम नहीं हो सकती, मेरे यहाँ पे जो चीज़ है वो गुम नहीं हो सकती। तो हमें अपना ट्राईपॉड मिल गया, थैंक यू चाट वाले भैया, बहुत बढ़िया। आजकल ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं, या तो पेट तो हमारा बहुत भर गया, कुछ खाने की जगह है नहीं, पर देखते हैं अगर आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया कुछ मिल गया तो खा लेंगे आपके लिए, पेट में ठूस लेंगे थोड़ा गले तक, देखते हैं। तो दोस्तों हमने बहुत खा लिया, हमने बहुत ढूंढा कुछ और खा सकते हैं, हम रबड़ी फलूदा खा सकते थे, ये अन्नपूर्णा भंडार में मिठाइयाँ खा सकते थे जैसे आप देख सकते हैं, पर सीरियसली हमारे पेट में अभी जगह नहीं है। किस जगह है बिल्कुल आखिर पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, हमने जितना खाना था खाया अभी, पर लगातार हम जगह जगह जाते रहेंगे आपके लिए खाना खाते रहेंगे, तो एक नंबर बढ़िया आपके लिए खाना खाते रहेंगे। चांदनी चौक में आइएगा तो ये चीज़ जो हमने खाई ये ज़रूर खाइएगा, गारंटी 100% गारंटी, मज़ा ज़रूर आएगा आपको, बढ़िया मज़ा आएगा। दौलत की चाट शायद आप छोड़ सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा आप हर एक चीज़ टेस्ट कीजिएगा, खाइएगा जो जो हमने दिखाया, उसके अलावा आप कुल्फी फलूदा ज़रूर खाइए, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोले भटूरे और ये सब ज़रूर खाइए, बढ़िया है। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में विदा लेते हैं, और ऐसे नई नई चीज़ें नई नई जगहों पर जाते रहेंगे, और आपके लिए मैं और अंकित खाते रहेंगे। जय हिंद।